दिस इज समय चौधरी, वेलकम बैक टू समयास किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा। आज जो रमज़ान के हिसाब से बना रहे हैं वो हम ड्रिंक बना रहे हैं, क्योंकि रेसिपी बहुत सारी बन गई है, मीठी भी, नमकीन भी, थोड़ा ड्रिंक भी होना चाहिए, एनर्जी भी आनी चाहिए। जिसमें बना रहे हैं हम स्ट्रॉबेरी ड्रिंक और मैंगो मैंगो जूस, जो आप मार्केट से लेकर आते हैं वो घर में बना सकते हैं। आपको पता था, मैंने बताया कि मैंने रमज़ान से पहले पल्प बना कर रख लिया था मैंगोज ले के, वो उसकी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, सॉरी। इंशाल्लाह ये भी जल्द कर दूंगी, तो जल्दी से बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप, अब इसमें डाले हैं हम स्ट्रॉबेरी और मैंगो का बीच में पहले से है, क्योंकि मुझे मिक्स में चाहिए था तो मैंने इसलिए मैंगो को बीच में शामिल कर लिया। अब हम इसे करेंगे हैंड बीट से, अच्छे से जो चीनी है उसको मिक्स कर लेंगे, फिर जाली की मदद से छलनी की मदद से इसको छान लेंगे और उसके बाद इसे करेंगे सर। ये देखना, ये मैंगो देखना इतना थिक बना है जैसे आप मार्केट से वो लेते हैं, बॉटल्स लेते हैं ना मैंगो की, वैसे ये देखना सर 2 टेबल स्पून मैंगो से हो गया। इंशाल्लाह मैं स्ट्रॉबेरी का ऐसे बनाना सिखाऊंगी, पल्प कैसे बनाते हैं और आप किस तरह सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी आपको पता है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। आप इसका बना के सर्व करके दिखाते हैं आपको। पहले इसमें पानी शामिल करेंगे, उसके बाद मैंगो पल्प, इसको अच्छे से बीट करना पड़ेगा हमें। उसके बाद फिर इसमें शुगर यूज़ करेंगे, हैंड बीटर से भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो हम कॉफ़ी के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये देख लें, कॉफ़ी के लिए यूज़ कर रहे हैं उससे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी निकाल कर दिखाती हूँ आपको, हर चीज़ यूज़ करनी चाहिए इंसान को। ये इसमें सेल डलते हैं, मैंने सेल वाला लिया है ताकि अगर लाइट ना हो तो कभी हमें सेल की मदद से भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए देखिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से हो जाता है। ये देखो अच्छे से बीट हो गया, इसी के अंदर हम शुगर यूज़ करना स्टार्ट करेंगे थोड़ी थोड़ी। इसी तरह हम स्ट्रॉबेरी को बनाएंगे, ये देखो ये अच्छे से मैंगो जूस जो हम मार्केट से लेते हैं वैसा ही बन जाएगा। ये खुद भी ट्राई करें, मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी कि किस तरह पल्प बनाया। आप इसे बना के फिर आपको मैं स्ट्रॉबेरी का जब स्टार्ट करती हूँ फिर आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, देख लें स्ट्रॉबेरी कहते हैं जूस ड्रिंक और मैंगो ड्रिंक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपने स्ट्रॉबेरी ड्रिंक नहीं यूज़ किया होगा कभी, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक तो यूज़ किया होगा, लेकिन स्ट्रॉबेरी ड्रिंक ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। सिंपल है, नमक आपके सामने डाला लेकिन मैंने 1 टेबल स्पून या 1/2 टेबल स्पून आप नमक का यूज़ करें, क्योंकि हमारी एनर्जी, हमें नमक की कमी हो जाती है रमज़ान में, तो नमक का होना ज़रूरी है। और मैंगो शेक आपको बता दिया, मैंगो शेक बनाना बता दूंगी और मैंगो जूस आपको बता दिया किस तरह बनाया, और मैंने पहले से बना कर रखा हुआ था मैंगो का। अब इंशाल्लाह स्ट्रॉबेरी का जब बनाऊंगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी, सेम एज इट इज़ वैसे ही मैंगो का बनाना है। ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको रमज़ान की ये न्यू रेसिपी कैसे लगी। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।